राज्यात मशिदीवरील भोंगे आणि हनुमान चालीसा यावरून राजकीय वातावरण तापलेले असून जातीय मत्सर वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना उल्हासनगर शहरात साई पक्षाच्या वतीने इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। यावरून सामाजिक एकोप्याचा संदेश देण्यात आला आहे। माजी महापौर आशा जीवन इदनानी आणि जीवन इदनानी यांच्या वतीने इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। मागील 17 वर्षांपासून उल्हासनगर शहरातील हिंदू मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन इफ्तार पार्टी करतात। यावेळी मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव या इफ्तार पार्टीत सहभागी झाले होते। या कार्यक्रमाला शहराचे आमदार कुमार आयलाणी, भाजप जिल्हा अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, किशोर वनवारी, राजेश टेकचंदानी, सुनील कळवा व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। मैं देखता हूँ कि हमारे सब भाई इबादत में जुटे हुए रहते हैं, अल्लाह को याद करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं और आम और ख़ास सबके लिए दुआएं मांगते हैं कि सबका भला हो, शहर में, राज्य में, देश में और संसार में शांति बनी रहे। ऐसा मुबारक महीना इबादत में देना ये तो कोई बड़ी बात है भैया, सब नहीं करते, कुछ चंद लोग हैं समाज के वो सब करते हैं। मुस्लिम भाइयों को तो मैंने देखा है बढ़ चढ़ के प्रेम से रोज़ा महीने का जो है पालन करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, सब जो मेरे भाई हैं बढ़ चढ़ के आज के दिन का जो रोज़ा इफ्तार होता है उसको कामयाब बनाते हैं और हर साल 17 साल से ये प्रथा चलती आ रही है। मैं तो यही गुजारिश करूँगा, अल्लाह ताला से यही निवेदन करूँगा कि हम रहे न रहें ये भाईचारा, ये इफ्तार का प्रोग्राम चलता रहे, हमारे आने वाले भी ये जो है कंटिन्यू करें। हम तो उनको यही शिक्षा देंगे, बाकी अल्लाह ताला है उनको सद्बुद्धि देगा और ये भाईचारा बनते रहेगा, कामयाब रहेगा, चलते रहेगा। और आपके माध्यम से आने वाले ईद के लिए मैं सब भाइयों को, बहनों को, माताओं को मुबारकबाद देता हूँ। सबकी ईद जो है खुशहाली वाली हो, बढ़ चढ़ के हो, आनंदमय हो। धन्यवाद। रमज़ान की इफ्तार पार्टी का ये 17वां साल है और यहाँ पर जीवन भाई ने इसको बड़ी बखूबी से 17 सालों से इसको अंजाम दिया है और यहाँ पर सब धर्म, सब जाति के लोग बिना भेदभाव के इसमें शिरकत करते हैं और आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे इसके लिए सब लोग कोशिश करते हैं। और मेरी खुदा से दुआ है कि ये सद्भाव, ये प्रेम, ये भाईचारा इस रमज़ान मुबारक के महीने के सदके में ऐसे ही बना रहे और हम सब लोग इसको कामयाबी से हर साल पूरा करते रहें। हमारी सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस महीने में जब इकट्ठा होते हैं तो सिर्फ प्रेम और सद्भाव के लिए ही इकट्ठा होते हैं, बाकी ना कोई राजनीति है और ना कोई राजनीति से इसका लेना देना है। मैं जीवन भाई को और यहाँ तमाम आए हुए मेहमानों को और उल्हासनगर के तमाम शहरवासियों को इस रमज़ान मुबारक की बधाई देता हूँ और आने वाले ईद की भी बधाई देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये सद्भाव ऐसे ही बना रहे और ये भाईचारा और प्रेम ऐसे ही इसकी लौ जलती रहे। मेरे बड़े बुजुर्ग, उनके परिवार वाले, उनके बाल बच्चे सभी को हार्दिक शुभेच्छा दे रही हूँ आने वाली ईद के लिए और इस रमज़ान महीने के लिए। और क्षमा चाहती हूँ, कोरोना की वजह से हम 2 साल नहीं कर पाए और आज आप पधारे हो, मैं दिल से अभिनंदन कर रही हूँ आपका। अल्लाह से ये दुआ मांगूंगी कि जैसे आपका और हमारा प्यार सालों से बरकरार है और हमारा यूं ही प्यार स्नेह हमेशा बरकरार रहे, बस अल्लाह हमें ऐसी सुम्मति दे, ऐसी दुआ हमें रहे अल्लाह करे, जैसे हमारे और बीच में कोई भेद न रहे। हमारे साईं जी का कहना था, आपका खून हो या हमारा खून हो, खून एक है, फिर काय का हम अलग अलग हैं। तो आप सभी से मैं दुआ मांग रही हूँ। आपके रोज़े चल रहे हैं तो आपके बहुत बड़े अच्छे दिन हैं। आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, आप भी मुझे दुआ कीजिए, बस हमेशा यूं ही आपसे प्यार मोहब्बत, सबसे प्यार मोहब्बत करते रहें। सिर्फ उल्हासनगर नहीं, पूरे हमारे देश में प्यार होना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगी। आज ये रमज़ान महीना है, साईं पार्टी के तरफ से यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी रखी गई है। मैं मेरे तरफ से
पूरे उल्लासनगर के तरफ से सब मुस्लिम भाई बहनों को आज धन्यवाद शुभेच्छा देता हूँ कि आने वाली ईद सबके लिए अच्छी जाए और हमारे उल्लासनगर में जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है वो भाईचारा बना रहे और ऐसे प्रोग्राम जो साईं पार्टी ने आज 17 साल से कायम किया है ये 2 साल ईद ये कोविड के वजह से न कर पाए इसके लिए आगे से जो भी इफ्तार पार्टी होगी वो ऐसे ही कंटिन्यू होगी। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर।